The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, दोस्तों बात कर रहे थे हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की. यहाँ पर कई लोग कई पेशेंट लेके आते हैं कि सर यहाँ लाल हो रहा है, यहाँ काला हो रहा है, देखिए मेरी स्किन में निशान है, देखिए यहाँ पे निशान है, ये लाल है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, नीला 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 नीला. जब भी उनको नीला दिखता है, लाल दिखता है, काला दिखता है, तो उनको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, राइट. सो ये वो क्लॉट नहीं है. ये क्या है, ये स्किन के नीचे ब्लीडिंग है. ये अलग है, वो अलग है. क्लॉट यहाँ ऊपर से नहीं दिखेंगे आपको. क्लॉट होती है अंदर वाली आर्टरीज में, अंदर वाली वेन्स में. वेन्स में ज़्यादा होते हैं, आर्टरीज में तो हार्ट की आर्टरीज में होते हैं ज़्यादातर. आर्टरीज तो सभी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन क्लॉट होते हैं अंदर में. ऊपर से जो आपको कालापन दिखता है, स्किन में काला हो गया, मेरे अंदर क्लॉट बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, राइट. डोंट गेट कन्फ्यूज. वो क्या है, वो ब्लीडिंग इनटू द स्किन है. वो क्यों होगा, वो उसको बोलते हैं ब्रूजिंग, ब्रूज्ड, एकाइमोसिस, मेडिकल टर्म है, परप्यूरा, पिटिकिए. ये है, ये क्या है, पिटिकिए, परपूरा, एकाइमोसिस, ब्रूजिंग. ब्रूजिंग तो सुना होगा आपने इंग्लिश में, ब्लीडिंग तो सुना. ये ब्लीडिंग है, ये सारी ब्लीडिंग है आपके स्किन के अंदर. ये क्या है, क्या मतलब, स्किन के नीचे मान लो किसी को जोरदार घूसा पड़ गया या डंडा पड़ गया, तो लाल लाल हो जाता ना सारा, और वो कभी कभी काला भी पड़ जाता है. वो क्या है, वो क्या निशान है, क्या वो क्लॉट है? नहीं, वो क्लॉट नहीं है. वो है स्किन के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी खून की नसें होती हैं, और वो खून की नसें टूट जाती हैं, लिटरली टूट जाती हैं जब जोरदार ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है. और कई बार जब आप सुई लगाते हो, सुई लगाने पे क्या होता है, एक कभी कभी वो खून की नसों में सिर्फ अंदर जा के सुई अंदर अंदर रहने की जगह आर पार हो जाती है. आर पार हो जाती है तो क्या हो जाता है, नीचे से ब्लीडिंग होने लग जाती है, और स्किन के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है, स्किन के नीचे ही ब्लीडिंग हो जाती है. तो स्किन के अंडर द स्किन, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, इनटू द स्किन कह लीजिए, वो आती है. सो उसके वजह से आपको कभी कभी एक छोटा सा, छोटे छोटे रेड डॉट्स आ सकते हैं, रेड 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 डॉट्स, वो भी ब्लीडिंग है. उसको बोलते हैं पिटिकिए, पिटिकिए बोलते हैं छोटी छोटी ब्लीडिंग को, टप 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 रेड रेड डॉट्स. और अगर ब्लीडिंग कलेक्ट हो जाए एक लार्ज बड़े एरिया में, तो उसको बोलते हैं परप्यूरा, परप्यूरा. और बहुत ज्यादा हो जाए, डंडा मारा ये इतना ज्यादा लाल हो गया, उसको बोलते हैं ब्रूज, ब्रूज्ड एरिया, इकाइमोसिस. तो ब्रूजिंग इज इकाइमोसिस, परपुरिया थोड़ा बड़ा, पिटी की छोटे छोटे है, सारे के सारे क्या, ब्लीडिंग इनटू द स्किन. अब इसमें समझना क्या है, कई लोग होते हैं जिनको कॉमन हो जाती है, कॉमन ब्रूजिंग हो जाती है, पकड़ से आराम से ब्लीडिंग होती है, कते कुछ भी नहीं किया फिर भी ब्लीडिंग हो गई, ऐसी पड़े पड़े काले पड़े के निशान, कुछ भी चोट लग गई, सुई लग गई, सुई लग गई, काला पड़ जाता है. सो ये क्यों होता है, कुछ लोगों की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, कुछ लोगों के अंदर ये रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेडनेस हो जाती है स्किन में, जिसको हम मेडिकल टर्म में इरिदिमा बोलते हैं, इरिदिमा, राइट. वो ब्लीडिंग नहीं है, रेडनेस इज नॉट ब्लीडिंग. ब्लीडिंग इज मीन कि स्किन अच्छी है लेकिन नीचे कालापन है. सो कालापन क्योंकि ब्लड अगर नीचे आएगा तो वो धीरे धीरे लाल से काला हो जाएगा, पर रेडनेस इरिदिमा काला नहीं होगा. सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो क्लियर करती हैं कि क्या है. वो कैसे देख सकते हैं, रेडनेस अगर है, रेडनेस है स्किन में, तो आप उसको दबाओगे तो वो वाइट हो जाएगा, छोड़ोगे तो वापस रेड हो जाएगा. जैसे आपके नाखून होते हैं, नाखून को दबाओगे वाइट हो जाएगा, छोड़ोगे तो वापस रेड हो जाएगा. ये चीज अगर आपके खून के स्किन के नीचे ब्लीडिंग है उसमें नहीं होगी, इसको बोलते हैं ब्लांचिंग. ये ब्लांचिंग उसमें नहीं होती अगर ब्लीडिंग है, ठीक है, स्किन के नीचे. इसमें होती है कि रेडनेस है, इरिदिमा है, ऐसे चीज़ों में होती है. सो अब इसको समझते हैं कि ये ब्लीडिंग अंदर द स्किन अगर किसी को है कि मेरे को ये इतने निशान आ रहे हैं, मेरे को यहाँ आ रहे हैं, उसके क्या क्या कारण, बथेरे कारण हो सकते हैं. सबसे समझते कॉमन कारण तो इंजरी है, चोट लगना है, डंडा पड़ गया, पुलिस का डंडा पड़ गया, बम्पे लाल हो गया, सो वो है एक कारण. सेकेंड है एलर्जिक रिएक्शन. जी हाँ, एलर्जी से कई बार आप खुजली करते हैं, कुछ करते हैं, और एलर्जी से भी बड़ी आसानी से खून की नसें फूट जाती हैं वहाँ के छोटी छोटी, और वहाँ लालपन आ जाता है. ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी खुद की इम्यून सिस्टम खुद के वहाँ पे खून की नसों को डैमेज कर सकती है. वायरल इन्फेक्शंस, जो कि ऐसी बीमारियाँ जो आपके क्लॉटिंग में प्रॉब्लम करे, कोएगुलेशन प्रॉब्लम करे, लिवर की बीमारियाँ कोएगुलेशन में प्रॉब्लम करती हैं, वो भी आपका ये इस तरह से ब्लीडिंग कर सकती है. क्या होगा, ईजी ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी कि जरा सी चोट लगी वहाँ पर एक नसल टूटी, जरा सी, लाल भी नहीं दिखना चाहिए था लेकिन वो रुका ही नहीं, क्लॉटिंग ही नहीं हो रही है, वो काला होने लग गया पूरा. एक एक जो आपका
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्लीडिंग रुक जाता है, उसको 2 सेकंड लगने लग गए, 10 गुना बढ़ गया. सो दोट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन विद द विद ऐसी बीमारियों में, क्लॉटिंग बीमारियों में. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, प्लेटलेट काउंट ही कम है, जो ब्लीडिंग रोकते हैं प्लेटलेट वो ही बहुत कम हो गए हैं तो ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही, या आप कोई दवा ले रहे हो ऐसी एंटी प्लेटलेट, क्लोपिडोग्रेल या इकोस्प्रिन, तो उस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर आप को कीमोथेरेपी हुई है, रेडिएशन थेरेपी हुई है, ऐसी चीज़ें हुई है, या फिर कई बार ये बचपन से ही होता है, बचपन से आपके निशान है, एक पिटिकिए है या इकमोसिस है, या उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी ये इसकी इंटीग्रिटी कम होती जाती है, एंड दे कैन ब्लीड वेरी इजीली. सो ये सारे कारण हैं, प्लस देर आर सम एक्चुअल बीमारियां जैसे ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया ने ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में भी परप्यूरा होता है, और एक परप्यूरा अलग से बीमारी है, हेमलॉक एच एस परप्यूरा, बड़ा खतरनाक नाम है उसका, और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी होता है, और एंटी जो कई लोग स्टीरॉयड लेते हैं उससे भी ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है, परप्यूरा इकाइमोसिस, और वॉरफरिन, हिपेरिन, ब्लड एक्वास्पिरिन, एस्पिरिन, इनसे भी हो सकती है, और सेप्टिसीमिया, खून के अंदर इन्फेक्शन फैल जाए तो भी ऐसा हो सकता है. तो ये सारे कारण है भैया आपके ब्लीडिंग के. तो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके केस में ये एक्चुअल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, है आपके ब्लड में प्लेटलेट काउंट तो नहीं कम है, और हीमोग्लोबिन तो नहीं कम है, टीएलसी वीएलसी न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट तो नहीं बढ़े हुए हैं, आपका कोएगुलेशन प्रोफाइल कैसा है, आपका ब्लीडिंग टाइम तो नहीं बढ़ा, आपका पीटी आईएनआर तो नहीं बढ़ा, तो इनसे पता चलता है कहाँ बीमारी है. पर फिर भी मान लो आपको बहुत आसानी से ब्रूजिंग हो रही है या ब्रूज होते जा रहा है, या आपकी उम्र हो गई है और आपको छोटी छोटी चोट में, बंप में, या पुलिंग ऑफ स्किन में ही ऐसे लालपन आ जाता है, या ऐसा छोटा सा कट प्रेशर लग गया तो भी ब्लीडिंग आ जाती, तो फिर ऐसे में क्या करो? सबसे इंपॉर्टेंट है अगर वहाँ काला हो रहा है और आपके आंखों के सामने बढ़ रहा है तो उसमें प्रेशर रखिए. प्रेशर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट स्टेप जो प्रेशर से कम हो जाता है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बर्फ. बर्फ आप लगा सकते हैं उसके ऊपर, डायरेक्ट मत लगाइएगा, ठंडा रखिएगा, ठंडे से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लीडिंग एंड परप्यूरा एंड वो जो भी उसको छोटे मोटे ब्लीडिंग. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं खून पतला करने की, या प्लेटलेट कम करने की एंटी प्लेटलेट, या ऐसी कोई वॉरफेरिन एंटीकोएगुलेंट, तो वो बंद करें, अपने डॉक्टर से बात करें तुरंत. ये 3-4 चीज़ें अगर आप घर में कर लेंगे तो आप अपने ब्लीडिंग को रोक पाएंगे. अब ऐसे में डेंजरस भी हो सकती है प्रॉब्लम, मतलब कब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर बिना किसी कारण आपको नहीं पता, कोई चोट नहीं लगी, किसी ने कोई थप्पड़ नहीं मारा, कुछ नहीं लगा, किसी ने कुछ खींचा खाचा नहीं, ऐसे ही एक जगह पे ब्लीडिंग होने लग गई, अपने आप ही कालापन आने लग गया, आपको नहीं पता क्यों है और वो सिग्निफिकेंट है, बड़ा है, एक या दो जगह पे, तो आपको फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे, इसलिए डॉक्टर के पास जाओ. अनएक्सप्लेन ब्रूजिंग, अनसडन ब्लीडिंग इन टू द स्किन विच इज नॉट गोइंग अवे, सो ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, आपकी पहले तो डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, ये क्या हुआ, कोई दवा ले रहे हो, ये सारी चीज़ें, कोई ट्रीटमेंट, कोई कैंसर, कोई ब्लड थिनर, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई और दवा, कोई पहले कोई ब्लीडिंग बीमारी तो नहीं थी, कभी भर्ती तो नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं, सब पूछेंगे आपसे, फिर टेस्ट कराएंगे. टेस्ट क्या कराएंगे? सीबीसी तो होता ही है, हीमोग्लोबिन देखा जाएगा, प्लेटलेट काउंट देखा जाएगा, ब्लड डिफरेंशियल काउंट्स देखे जाएंगे, कोएगुलेशन टेस्ट होंगे, INR, PT INR, और साथ में APTT या ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम भी किया जा सकता है, और लास्ट में बोन मैरो बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है अगर ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो कोआ क्लॉटिंग के सेल्स हैं वो नहीं बन पा रहे. तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं ब्लीडिंग इनटू द स्किन ब्रूजिंग के, और डी डाइमर या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन क्लॉट्स के बारे में हमने फिर से बात कर चुके हैं पहले, वो उसके बारे में आप अलग से देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीडिंग इनटू द स्किन. आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी सिंगल पर्सन यू नो, किसी ना किसी के काम आ जाएगा, एंड आस्क देम टू शेयर इट अहेड, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, प्रेस द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.